नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। मां कालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर के ऊपर सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। वहीं इनके साथ उज्जैन निवासी एक युवक ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया। बाद में स्थानीय युवक को भी बुलाकर सभी को मंदिर कंट्रोल रूम से पुलिस चौकी पर पहुंचाया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के आसपास एक ड्रोन उड़ने की सूचना मंदिर के कंट्रोल रूम से मिलने के बाद मंदिर में लगे सुरक्षा गार्डों ने ड्रोन उड़ाने वाले स्थान बड़ा गणेश मंदिर की गली में स्थित एक होटल की छत पर पहुंचकर वहां तीन युवकों को पकड़ा था। वहीं एक अन्य स्थानीय युवक गार्डों के पहुंचने पर ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया था। पकड़े गए युवकों को कंट्रोल रूम लाया गया। तीन युवकों ने अपना नाम साई कुमार, मुकेश ओमकार, निवासी तेलंगाना हैदराबाद बताए गए हैं। तीनों युवकों को पूछताछ में बताया कि जो युवक ड्रोन उड़ा रहा था वह उज्जैन निवासी है। उन्होंने केवल मंदिर परिसर का वीडियो मांगने के लिए उसके नंबर लिए हैं। तीनों युवकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर उज्जैन निवासी रजत शर्मा नाम आ रहा है। बाद में कंट्रोल रूम से फोन लगाकर रजत शर्मा को बुलाया गया तो रजत ने बताया कि ड्रोन हैदराबाद के युवकों का है। इसमें चूंकि हम सभी लोगों को मालूम है जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं शासन के, उसमें जो है महाकाल मंदिर के आसपास जो है ड्रोन प्रतिबंधित है। इसमें कुछ लोग जो है ड्रोन उड़ाते हुए कल मिले थे, जिनको जो है तलब करके जो है उनसे पूछताछ वगैरह की गई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज़।